दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे कॉलम का सेंटर लाइन कैसे देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमारा सेंटर लाइन है, यहाँ पे हमारा ग्रिड लाइन है, दीवार पे पेंट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मेरा सेंटर है। यहाँ से अपना सेंटर लेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ये देख सकते हैं ये हमारा धागा है और दोनों तरफ से एक्स और वाई दोनों तरफ से धागा को बांध देंगे और वहाँ से सावल गिराएंगे कॉलम का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग अपना ड्राइंग के हिसाब से अपना मेजरमेंट देखेंगे और वहाँ पे हम लोग सावल गिराएंगे और जितना का हमारा कॉलम का साइज़ होगा उस हिसाब से हम लोग टेप्स के माध्यम से अच्छी तरह से नाप लेंगे। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं मिस्त्री लोग नाप रहा है कितना है हमारा ड्राइंग के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट कर रहा है। वहाँ पे दाग देकर अच्छे से सावल गिराकर चेक कर लेगा एक दो बार। जी देख सकते हैं यहाँ पे पाइल का जो रड था वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए यहाँ पर उसका रड को खोलकर थोड़ा साइड करेगा। इस देख सकते हैं दोस्तों, अगर मतलब साइट पे जब भी काम कराए तो ड्राइंग के हिसाब से ही सारा काम करना चाहिए और ड्राइंग को अच्छे से तो पढ़ना चाहिए और उसी हिसाब से हम लोग कॉलम का सेंटर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमारा मिस्त्री वो पाइल का रड को ज़्यादा हाइट में था तो इसको पीट रहा है, उसको दाब रहा है नीचे की तरफ कि वो अच्छे से एक लेवल में आ जाए। दोस्तों ऐसे ही आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पे कॉलम का मेरा रिंग यहाँ पे बांध देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे रिंग बांधने के बाद सेंटर देने के बाद यहाँ पे हम लोग कॉलम का प्लेसिंग करवाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये पाइल है, पाइल के बीच में मेरा एक कॉलम है। तो यहाँ हमारा 20 mm का 20 पीस यहाँ पे रड लग रहा है, ये देख सकते हैं कितना मतलब मुश्किल काम होता है मिस्त्री लेबर के लिए, फिर भी ये लोग कर ही लेता है क्योंकि इसका यही काम ही है। देख सकते हैं यहाँ पे एकदम एक्यूरेट यहाँ पे लाना पड़ता है। और यहाँ पे जो मेरा कॉलम है वो मेरा एल शेप में है, एल शेप का कॉलम है क्योंकि यहाँ पे 20 mm का 20 रड दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी दूर है इसलिए यहाँ पे इतना सारा रड देने के लिए मेंशन किया हुआ है ड्राइंग के मुताबिक। तो यहाँ पे हम ये सब चेक करेंगे। जब कॉलम का रड प्लेसिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेन पावर का यहाँ पे ज़रूरत रहती है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना मतलब इतना हाइट का होता है तो काफ़ी झुक जाता है, इसलिए यह अच्छे से पकड़ कर रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग बाँस का बम्बू का सपोर्ट देंगे, वो हम आगे दिखाएंगे आपको। देखिए कैसे सब पकड़ रखा है, यहाँ 20 mm का 20 रड है, फिर भी इसको संभाल पाना मुश्किल होता है। एक तो उसको रिंग के अंदर से इसको ले जाना कितना मुश्किल हो रहा है, देखिए कितनी मेहनत का काम होती है उसको एक एक देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा रिंग है एल साइड का, उसके अंदर से दोनों रिंग के बीच से उसको एल अंदर से ले गया गया और उसको अच्छे से बांध देगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो मेरा बांस है बम्बू उसका हम लोग चारों तरफ से सपोर्ट दे दिए क्योंकि बहुत वेट होता है 20 mm के रड में, क्योंकि सबको एक साथ पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे चार बम्बू को सपोर्ट दिलवा कर यहाँ पे एक रड को एक साइड में भाग यहाँ पे एक एक रड को स्टीरा के साथ यहाँ बांध देंगे, क्योंकि नहीं बांधेंगे तो उस चारों तरफ फैल जाएगा और इसको संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। देखिए कितना मुश्किल से उसको एक एक पीस को हटा रहा है। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी हो जा रही है लेकिन यहाँ पर पूरा फुल प्रोसेस पे आपको दिखाया जा रहा है, सो आप देखिए और समझिए और किस तरह से यहाँ पे काम होता है। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो रिंग है इसको टॉप तक बांधेंगे क्योंकि वो ज़्यादा फैल ना जाए, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक रिंग टॉप में एक्स्ट्रा दे देंगे।
इसीलिए यहाँ पर रिंग के ऊपर ले जाया जा रहा है और अच्छी तरह से इसको बांध देंगे और यहाँ पे मेरा इसको सभी कॉलम का रड को लेसिंग करवाएंगे। सकते आप किस तरह से काम हो रहा है, एक कॉलम का रड लेसिंग करने में कितना लोग है गिन सकते हैं। यहाँ पे 7-8 आदमी हैं, तो मेन पावर की काफ़ी ज़रूरत होती है और इस काम में एक्सपीरियंस मिस्त्री का भी रहना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि सब तो एक्सपीरियंस रहता नहीं है। इसमें से 2-3 कम से कम एक्सपीरियंस मिस्त्री होना चाहिए जो पहले भी काम कर चुका है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। बाकी लोग तो हेल्प रहता है, क्योंकि सब ही मिस्त्री रहेगा तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए सब मिस्त्री नहीं रहता है, कुछ हेल्पर भी रहता है और 2-4 मिस्त्री रहता है, तो इसे साइट पे काम आसानी से हो जाता है। देख सकते हैं मेरा साइट है, यहाँ बहुत सारे रिंग वगैरह है, इस तरह से दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट बार को कटवा कर इसको यहाँ पे हम लोग प्रेसिंग करवाएं। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी रड को हम लोग कटवाएंगे तो अल्टरनेट ही कटवाएंगे, एक छोटा एक बड़ा, तो इससे क्या होता है ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है कॉलम का, और वो भी कॉलम का सेंटर में हमारा होना चाहिए, जो भी लैपिंग ऊपर में आएगा फर्स्ट फ्लोर वहाँ पे हम लोग सेंटर में ही हम लोग लैप देंगे। और लैपिंग लेंथ यहाँ पे हम लोग 50 रखते हैं, जैसे कि 20 mm का है, 50×20 मतलब 1000 mm, मतलब 1 मीटर का हम लोग लैप लेंथ रखेंगे 20 mm में। यहाँ पे मेरा सभी 20 mm का 20 रड है, तो 20 हिसाब से 1 मीटर का हम लोग लैप रखे हैं। यही फार्मूला होता है लैप लेंथ का, 50×20 डाया बार। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे डायरेक्ट साइट से रिलेटिव, और आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो लाते रहेंगे। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, थैंक यू।